हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूएसडीटी का प्राइस इंडिया में प्रीमियम रेट पर क्यों सेल हो रहा है। एक्चुअली काफ़ी ग्रुप में भाई हैं जो कि पूछ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्हें प्रीमियम जो है पे करना पड़ रहा है यूएसडीटी को बाई करने के लिए। एंड बजीरेक्स के ग्रुप में देख लो, कॉइन डीसीएक्स के में देख लो, बिटबीएनएस के में लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ दिनों से कि भाई क्या चल क्या रहा है, आप लोग इतना हाई रेट पर कैसे सेल कर रहे हो। तो काफ़ी एक्सचेंज ने इस चीज़ को जो है रिस्पॉन्स भी किया है कि हम लोग मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, बट स्टिल कुछ लोगों का डाउट है कि भाई नहीं, सारा मैनिपुलेशन एक्सचेंज ही कर रहे हैं। सो इसी टॉपिक के ऊपर बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। एंड गाइस, इस टॉपिक के ऊपर आई थिंक मैं 2017 में भी बात कर चुका हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो लंबे टाइम से, तो क्योंकि उस टाइम पे भी जो कंडीशंस थी वो सेम थी जिस टाइम से अभी हो चुकी हैं, क्योंकि आरबीआई का जो बैंकिंग बैन है वो हट चुका है। तो अब कोई भी डायरेक्टली INR से बाई कर सकता है क्रिप्टो करेंसीज़ को, ट्रेड कर सकता है सिंपली, जैसे कि पहले सिस्टम था। सो, मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि इंडिया में USDT का प्राइस प्रीमियम क्यों है। एक्चुअली अगर आप नोटिस करें तो इंडिया में USDT ही नहीं, जो मेजर क्रिप्टो करेंसी है उसका प्राइस प्रीमियम ही चलता है हमेशा से, पहले से भी चलता आ रहा है। अभी की टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में जो BTC का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग 4 लाख INR में BTC सेल होना चाहिए, बट इंडियन एक्सचेंज पे 4 लाख 45 हज़ार के समथिंग सेल हो रहा है, या फिर 4 लाख 50 हज़ार के समथिंग। तो 50 हज़ार का डिफरेंस है, तो वो भी एक प्रीमियम रेट है। तो एक्चुअली ये USDT पे तो है नहीं, वो तो बिटकॉइन पे भी है, बट सेम चीज़ वहीं पे आती है कि अगर आप प्रीमियम रेट पे बाई कर रहे हो तो आप प्रीमियम रेट पे सेल भी कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर बिटकॉइन को 4 लाख और 45 हज़ार में ख़रीद रहे हो तो आप उसको 4 लाख में बेच पा रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं रहा। अगर आप प्रीमियम पे ख़रीद रहे हो तो प्रीमियम पे बेच भी रहे हो। एंड इस चीज़ के ऊपर जो CEO हैं बजीरेक्स एक्सचेंज के, उन्होंने भी यही कहा ट्वीट करके ट्विटर पे कि हम लोग USDT सेल नहीं करते, आप और आप जैसे यूजर्स हैं प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज पे जो कि बाय एंड सेल की प्राइस को सेट करते हैं। बजीरेक्स या कोई भी एक्सचेंज एक जस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है बाय एंड सेल करने में, ये लोग जस्ट ट्रेडिंग फीस चार्ज करते हैं, ऐसा उनका कहना है। एंड यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है दोस्तों, आप उसको समझिए। सपोज आज के टाइम पे अगर इंडिया में USDT है या फिर बिटकॉइन है, उसके बायर हैं बहुत ज़्यादा बट सेलर ही नहीं है, कोई सेल ही नहीं करना चाहता, तो ऑटोमेटिकली उस केस में वहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई सेल ही नहीं करना चाहता भाई, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट की कंडीशन, ये दो मेन चीज़ें हैं लाइक डिमांड और सप्लाई और मार्केट की कंडीशन। मार्केट की कंडीशन से मेरा मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी के टाइम पे बिटकॉइन इतना डाउन आ चुका है कि लोग उसको बाई करना चाहते हैं USDT में। तो अगर आपको कम रेट पे इस टाइम पे बाई करना है बिटकॉइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, USDT लेना पड़ेगा। एंड आप जब USDT लेने जाओगे मार्केट में, तो अगेन वही चीज़ आ गई डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बाई करना चाहेंगे, तो जो डिमांड है बढ़ गई है बेसिकली, जबकि सेलर तो कम है, मतलब कि सप्लाई कम है, तो उस केस में प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। एंड यहाँ पे कुछ भाई हैं जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि भाई चलो माना आपकी सारी बातें सही है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, एक्सचेंज बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करते प्राइस को, एंड सारी चीज़ें आपकी सही हैं। तो फिर हम लोग देखें कि जो बजीरेक्स एक्सचेंज है उस पर प्राइस चल रहा है BTC का 4 लाख और 48,000 INR, बट अगेन इसी चीज़ को हम देखते हैं BitBNS एक्सचेंज पे, तो BTC का प्राइस 4,59,000 क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है जो बजीरेक्स है उस पे INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स दोनों चालू हैं, बट BitBNS पे सिर्फ INR का डिपॉजिट चालू है, विड्रॉल्स चालू नहीं है। एंड ये जो प्राइस है सेम हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा, जैसे ही इस एक्सचेंज पे भी जो विड्रॉल्स है INR का वो चालू हो जाएगा। और एक और डाउट आपके दिमाग में ये होगा कि भाई ये जो ऑर्डर्स लगे होते हैं एक्सचेंज पे, उसकी क्या गारंटी है कि वो किसी बायर या सेलर के हैं, हो भी तो सकता है कि वो एक्सचेंज के साइड से हो, तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट ऐसा चांस है लेकिन बहुत कम। तो ये चीज़ है जो कि आई थिंक आपके दिमाग में होगी, तो इसका रिस्पॉन्स एक्सचेंज के जो ओनर है वो काफ़ी अच्छे से दे सकते हैं आई थिंक। सो दिस इज़ ऑल माई ओपिनियंस गाइज, एंड आई थिंक आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अगर आप प्रीमियम रेट्स पे ले रहे हो तो प्रीमियम रेट्स पे सेल भी कर सकते हो,
ये चीज़ है। एंड दूसरा, डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है वो मैटर करता है एक्चुअली में। एंड दोस्तों, अगर आप फिएट करेंसी से लेने जाते हो, एक्चुअली इंडिया में ही नहीं किसी भी कंट्री में अगर आप फिएट करेंसी से लेने जाते हो, तो आपको जो इंटरनेशनल रेट है उससे ज़्यादा ही मिलेगा। आप किसी भी जो है कंट्री में ट्राई कर लो, यूएसए की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर ही है। सो आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, मुझे अपने जो ओपिनियंस है कमेंट्स में बता सकते हैं। सो आई होप गाइस, ये जो सारी चीज़ें थी यूएसडीटी का प्राइस इंडिया में प्रीमियम क्यों है वो आपके माइंड से क्लियर हो गया होगा। आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना गाइस, एंड ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।